धौलपुर नामक गांव में किशोर व उसकी पत्नी बबली रहते हैं। किशोर बाजार में समोसे बेचता है और बबली घर की कामकाज करती है। अरे आप आ गए, आपने मिठाई तो लाए हैं ना? आज मेरा भाई आ रहा है, भूल तो नहीं गए? हाँ भाग्यवान, लाया हूँ मिठाई, मैं नहीं भूला हूँ, ये लो रख दो। फिर थोड़ी देर बाद बबली का भाई और उसकी पत्नी आ जाते हैं। दीदी, मुझे बड़ी जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? हम बहुत थक गए हैं। हाँ भाई है ना, तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे लिए मिठाई लाए है, रुको मैं देती हूँ। फिर बबली मिठाई देती है, लेकिन मिठाई को देखकर बबली का भाई कहता है, ये क्या दीदी, इतनी सस्ती मिठाई लाए हैं जीजा जी, वे तो बहुत कमाते हैं ना, फिर यह कंजूसी कैसी? यह क्या कमाएंगे भैया, ये तो लोगों को अच्छी सामान देकर पुण्य कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत मिलावट करते तो क्या जाता, देखना इनकी वजह से हम एक दिन सड़क पर ही आ जाएंगे। या जीजा जी, आपने अभी तक अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी? क्या करूं साले साहब, मुझे लोगों को धोखा देना अच्छा नहीं लगता। इसमें धोखा देने वाली क्या बात है जीजा जी, यदि आप अपने सामान में थोड़ा बहुत मिलावट करेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा, लोग समय से खाना थोड़े ही छोड़ देंगे। हाँ दीदी, अब आप हमें ही देख लीजिए, हम अपनी सामान में थोड़ा मिलावट करते हैं जिससे हमारा फायदा भी अधिक हो जाता है। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ कि यह अच्छा सामान नहीं ले, पर यह मानते ही नहीं है। ऐसे ही वे सभी लोग किशोर को समझाते हैं कि सामान में मिलावट कर लो, लेकिन किशोर उन लोगों की बात नहीं मानता है और लोगों को अच्छी सामान से बना समोसा खिलाता है, भले ही वह कम कमाता हो। वाह भाई किशोर, मैंने आज तक बहुत से समोसे खाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे समोसे का स्वाद कहीं नहीं मिला। हाँ भाई, मैंने भी किशोर भाई के जैसे समोसे और कहीं नहीं खाए, जरूर ही भाई के हाथ में जादू है। बस भाई, भगवान की कृपा और आप लोगों का प्यार है जो इन समोसे में आता है। ऐसे ही समोसे खिलाते खिलाते किशोर का नाम आसपास में फैल गया और लोगों की भीड़ बढ़ गई, जिससे किशोर की कमाई भी बढ़ गई। फिर 2 महीने बाद बबली का भाई घर आता है। क्या हुआ सूरज, आज ऐसी अचानक से कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दीदी, मुझे गांव वालों ने निकाल दिया है। तो उन लोगों ने तुम्हें गांव से क्यों निकाला? जीजा जी, वो मैंने अपने समोसे में मिलावट किया था, जिससे गांव के बहुत से लोग बीमार हो गए हैं, और जब यह बात सरपंच जी के पास पहुंचा, तो वे हम दोनों को गांव से निकाल दिया। देखा ना साले साहब, बेईमानी का नतीजा, अगर तुम बेईमानी नहीं करते तो आज तुम्हें गांव से नहीं आना पड़ता। हाँ जी जाजी, मुझसे गलती हो गई, अब आप अपने समोसे के दुकान में काम पर रख लीजिए, मैं बेईमानी नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब से तुम मेरे दुकान में काम करना। फिर वे दोनों ऐसे ही करते हैं, वे अच्छे सामान से समोसे बनाते हैं और बेचते हैं, और ऐसे ही बेचते बेचते उन दोनों की दुकान का नाम जीजा साला समोसे वाला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करनी चाहिए।